नेपाल क्रिकेट टीम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। भले ही नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन टीम ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। हालांकि इस टीम से जुड़ी एक ऐसी जानकारी है जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। टीम के खिलाड़ियों की सैलरी एक चपरासी को मिलने वाली सैलरी से भी कम है। भारतीय खिलाड़ी जहाँ करोड़ों और अरबों में पैसे कमाते हैं, तो नेपाल के क्रिकेटरों को हजारों से ही काम चलाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की सैलरी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ग्रेड के अनुसार सैलरी मिलती है। जैसे ग्रेड ए में जो खिलाड़ी शामिल हैं, उन्हें हर महीने करीब 60,000 रुपए मिलते हैं, जबकि ग्रेड बी में शामिल खिलाड़ियों को भारतीय करेंसी के अनुसार 50,000 और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 40,000 रुपए सैलरी मिलती है, जबकि महिला टीम के ग्रेड ए में शामिल खिलाड़ियों को हर महीने 21,000 रुपए, ग्रेड बी वाले खिलाड़ियों को 18,000 रुपए और ग्रेड सी वाले खिलाड़ियों को 15,000 रुपए हर महीने सैलरी दी जाती है। नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मैच फीस भी काफी कम है। वनडे मैच के लिए उन्हें 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो T20 मैच खेलने के लिए उन्हें 5,000 रुपए सैलरी मिलती है। नेपाल क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ मौकों पर टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया था। ग्रुप ए में शामिल नेपाल की टीम ने 4 मैचों में केवल 1 में जीत दर्ज कर पाई और उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा। नेपाल UAE की टीम को 3 विकेट से हराने में सफल रही थी। एशियाई खेलों में नेपाल की टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसे पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप ए में शामिल किया गया था, जिसमें उसे अपने दोनों मुकाबले हारने पड़े थे। पाकिस्तान ने जहां नेपाल को 238 रनों से हराया था, वहीं बारिश से प्रभावित मैच में भारतीय टीम ने 10 विकेट से उसे धूल चटाई थी।